प्रेगनेंसी के 9 महीने बाद जब बेबी को आप अपनी गोद में देखते हो तो उससे ज्यादा खूबसूरत मोमेंट यकीनन आपकी जिंदगी में कोई और तो नहीं होगा। और इस खुशी को पाने के लिए आपने अपने शरीर के साथ न जाने क्या से क्या कर दिया है। कुछ टाइम बीतते ही जब आपका ध्यान आपके बॉडी पे जाता है तो आपका सबसे पहला सवाल खुद से यही होता होगा, यार अब ये मेरा निकला हुआ पेट, बढ़ा हुआ पेट, ढीला पड़ा हुआ पेट वापस से टाइट कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्या सच में ये पहले जैसा हो भी पाएगा। जी बिल्कुल, अगर आप चाहेंगे तो आपका बढ़ा हुआ लटका हुआ थुलथुल जैसा पेट पहले जैसा हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आप क्या खा सकते हैं, आप क्या लगा सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं अपने बड़े हुए लटके और थुलथुल पेट को टाइट करने के लिए। ज्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं ऐसे बातों में और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो आप सभी को पता होगा कि सिर्फ बाहर से ख्याल रखने से कुछ नहीं होता है, चाहे फिर हमारी स्किन हो या फिर बॉडी हो, बाहर से ख्याल रखने से तो कुछ नहीं होगा, हमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अंदर से भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप क्या खा सकते हो, क्या आप ऐसा अपनी बॉडी को दे सकते हो जिसकी वजह से आपके जो मसल्स ढीले पड़ गए हैं वो वापस से टाइट होना शुरू हो जाएं। आपको अपने खाने में, अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें लेनी है, क्योंकि प्रोटीन ही एक ऐसी चीज है जो हमारे ढीले पड़े हुए मसल्स को टाइट करने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आपको पता है एक पूरी तरह से फिट वुमेन की बॉडी में एवरी डे कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। अब आप इसमें तय कर लीजिए कि आप अपनी बॉडी को कितना प्रोटीन एवरी डे दे रहे हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप मछली खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप दूध ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, दूध से बनी हुई जितनी चीजें होती हैं वो आप अपनी बॉडी को दे सकते हैं। आप दाल अपने खाने में यूज कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा प्रोटीन अपनी बॉडी को देंगे आपके मसल्स उतनी ज्यादा टोन होगी, उतनी ज्यादा टाइट होनी स्टार्ट होगी। अगर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा तामझाम भरी लगती हैं तो आप इन सभी को स्किप करके, नॉन वेज और वेज को स्किप करके, आप हर रोज रात में कम से कम एक मुट्ठी भर करके चना या फिर हरा मूंग भिगो दे और सुबह में जो नाश्ता आप करते हैं नाश्ते की जगह पे आप ये चीज लेना शुरू कर दे एवरीडे। एक मुट्ठी भिगोया हुआ चना और मूंग की दाल आपकी बॉडी में पूरे दिन की प्रोटीन की कमी को अच्छे से पूरा कर देगा। ये तो हो गया आप क्या खा सकते हैं, अब बात करते हैं कि आप क्या लगा सकते हैं। अब हम हर रोज अपनी बॉडी को प्रोटीन दे रहे हैं, अब कुछ ना कुछ बाहर से भी करना पड़ेगा ताकि हमारी स्किन जो ढीली पड़ गई है वो थोड़ी बहुत टाइट होना शुरू हो जाए, थोड़ा टोन होना शुरू हो जाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको ये 2 स्टेप एवरी डे करना है। अगर आप चाहते हैं रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिले तो हर रोज आपको ये करना है। सबसे पहले आप अपने स्टमक पे अच्छे तरीके से स्क्रब करेंगे। स्क्रब आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, मैंने इतनी सारी DIY आपके साथ शेयर की है, कोई बाहर से चीज लेने की जरूरत नहीं है। घर में चावल का आटा होगा, बेसन होगा, थोड़ा सा आप चीनी ले सकते हो, उसको आप कूट तो दर्द रहा है फिर मिक्सर जार में पीस करके स्टोर कर लो, थोड़ा सा उसमें ले लो तेल और उसके साथ मिला करके, सिर्फ चीनी और सरसों का तेल मिला करके आप अच्छे से अपने स्टमक पे स्क्रब करो। स्क्रब करने से क्या होगा, जितनी भी डेड स्किन सेल्स है वो सारी की सारी निकल जाएंगी। स्क्रब करने के बाद स्टमक को अच्छे से साफ करो और उसके बाद करो अच्छी वाली मालिश। कोई क्रीम या लोशन ले सकते हो, अगर नहीं तो बादाम का तेल आप यूज कर सकते हैं। अगर बादाम का तेल भी नहीं लेना है तो आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी स्किन को टोन करने में बहुत हद तक हेल्प करता है। दिन में रूटीन बना ले, कम से कम 2 टाइम आप ये स्क्रब और मालिश अपने स्टमक पे करें, अपने पेट के आसपास के एरिया पे करें। आप वैसे भी हमारा जो पेट होता है ना वो लटक करके लोअर स्टमक पे ज्यादातर आ जाता है, हमारी नाभि के नीचे का जो हिस्सा होता है वहां पे आके लटक जाता है। और मालिश करने का जो प्रोसेस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, डिलीवरी के बाद जो आपका पेट होता है ना वो लटक करके यहाँ आपके लोअर स्टमक पे आकर के ना ऐसे हो जाता है। तो आप जब मालिश करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको कर रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक इसी तरीके से आपको मालिश करना है। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिले और जल्दी मिले तो वीक में कम से कम आपको 3 बार ये सेम प्रोसेस करना है, दिन में 2 टाइम, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया कि आप क्या खा सकते हैं और दूसरा ये भी बता दिया आप क्या लगा सकते हैं। अब तीसरे पे आते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। देखो अगर किसी भी चीज को तुरंत सही करना होता है ना तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ता है। अब आपने 2 चीजें जान ली, अब तीसरी चीज पे भी आते हैं। जैसे ही डॉक्टर आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोल देंगे ना, वैसे तो कुछ टाइम के बाद, नॉर्मल डिलीवरी में तो कुछ ही टाइम के बाद बोल देते हैं, मेरे ख्याल से 1 या 1.25 महीने बाद आपको डॉक्टर अलाउ कर देते हैं हल्का फुल्का एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। और सिजेरियन में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, क्योंकि उस वक्त आप बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, आपको अपनी बॉडी को रिकवर करना ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज तो बाद में भी होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है आप 1 से 1.5 महीने बाद इजीली हल्के फुल्के एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपके डॉक्टर ने कहा है तो। कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से बात जरूर कर ले, उसके बाद ही कुछ करें। आप 2-3 हल्के फुल्के एक्सरसाइज स्टमक को टाइट करने के लिए कौन सा एक्सरसाइज बेस्ट होता है आप वो एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से भी आपके स्टमक एरिया का ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो काफी अच्छा और बेहतर हो जाता है। और जैसे जैसे आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं आपका स्टमक एरिया का जो भी पेट थुलथुल और ढीला लचीला हो गया था वो धीरे धीरे टाइट होना
टोन होना शुरू हो जाता है। देखो यार, 9 महीने जब पेट में आपने एक जीवन को पाला है, 9 महीने में पेट का ये हाल हो गया है, अब जब ये वापस से अपनी शेप में आएगा तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही लगेगा ना। ये जितनी भी चीजें बता रही हूँ, ये सब आपको करने में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप इन सारी चीजों को फॉलो करने के साथ साथ पेशेंस भी अपने अंदर बनाए रखना, तभी जाकर के रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। जब 9 महीने में ये इतना फैला है तो इसको सिकुड़ने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। आप अपना डाइट प्लान, मसाज, एक्सरसाइज, ये सब कुछ करोगे और उसके साथ थोड़ा सा पेशेंस भी रखना। ऐसा नहीं कि 1 महीने किया हो उसके बाद छोड़ दिया यार, कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। रिजल्ट अचानक से नहीं मिलेगा। 9 महीने लगे थे ना इस बॉडी को फैलने में, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना वापस से इसको वैसे ही शेप में लाने के लिए। थोड़ा पेशेंस के साथ इस काम को करते रहिए और वापस से अपनी बॉडी को शेप में देखने के लिए तैयार हो जाए। नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पेट वापस से कम नहीं हो रहा है, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी ये बात कई बार आपसे कही है, हर लड़की अलग है, हर विमेन अलग है, हर प्रेगनेंसी अलग है, हर बच्चा अलग है, हर प्रेगनेंसी की कहानी अलग है और प्रेगनेंसी के बाद बॉडी रिकवर करने की स्टोरी भी अलग है। क्योंकि हर बॉडी अलग है तो बॉडी को रिकवर होने का टाइम भी अलग अलग होता है। कुछ लेडीज, कुछ विमेन बहुत जल्दी रिकवर कर लेती हैं, बहुत जल्दी उनके एक्सरसाइज का असर उन्हें दिखने लगता है, लेकिन कुछ फीमेल में, कुछ विमेन में ऐसा नहीं होता है, तो वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देती है, परेशान हो जाती है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखने की जरूरत है। हो सकता है उनकी बॉडी बहुत ही जल्दी वापस से अपने शेप में आ गई, लेकिन आपकी बॉडी को शेप में आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। कई फीमेल के साथ तो ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद जो पेट निकला होता है वो वापस से अंदर ही नहीं जाता है, थोड़ा बहुत अंदर जाता है, बाकी वैसे ही रहता है। मतलब अगर उन्हें देखा जाए तो ऐसा लगता है हमेशा उनके पेट में 4-5 महीने का बच्चा है। तो कम से कम आप उनसे तो बेहतर है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, खुद की बॉडी को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, उसे वापस से अपनी शेप में लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करते रहिए, रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा अपनी सारी उन फीमेल फ्रेंड के साथ में जो डिलीवरी के बाद इसी बात से परेशान है कि पेट को कैसे कम करना है। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा ध्यान रखिए खुद का, पेट अपने आप धीरे 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 कम होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी वापस से अपनी शेप में आ जाएगी। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर। मैं आपसे मिलूंगी विद न्यू वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।